नमस्कार दोस्तों, ग्रीन नेचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम इस चैनल के माध्यम से जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसमें मैं आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 जो कि एक केमिकल कंपाउंडेड है, उसके विषय में बताऊंगा। तो साथियों, मेरे पास ये एक लीटर का जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये 6% वाला है। जनरली जो है 3% का यूज किया जाता है। 3% का यूज करने के लिए हम एक लीटर पानी में 15 या 20 ml के आसपास उसको मिक्स करते हैं पानी में, और उसके बाद हम उसका स्प्रे और उसका जड़ों में डाल के यूज करते हैं। लेकिन मेरे पास ये जो है 6% वाला है, तो मैं इसको उसकी आधी मात्रा में यूज करूँगा, यानी कि एक लीटर में 20 ml की जगह 10 ml का यूज करूँगा। इस तरह मैंने ये 3 लीटर का वाटर सॉल्यूशन बनाया है, और उसमें मैंने 30 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज किया है। साथियों, इसका हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक तो उसको स्प्रे बोतल में भर के इसका स्प्रे करें, और दूसरा इसका हम जड़ों में भी इसको डाल के इसका प्रयोग कर सकते हैं, और या फिर हम इसका थोड़ा बहुत स्प्रे कर लें और बाकी जो है उसका जड़ों में यूज कर लें। और अब मैं इसको अपने ये एरिका पाम के पौधों में यूज कर रहा हूँ। एरिका पाम है, ये स्पाइडर प्लांट है, पीस लिली है, और इसी प्रकार अन्य जितने पौधे हैं, मैं इन पे सभी पे इसका यूज हफ्ते में या 10 दिन में एक बार करता हूँ। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिच होता है, तो ये इसकी जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाता है, और उसको फंगिसाइड फंगस से और रूट रॉट से भी बचाता है। एक तरह से ये फंगिसाइड का काम भी करता है, और साथ ही जो पेड़ों पे अन्य कीड़े लग जाते हैं, जैसे मिलीबग्स वगैरह, उनका भी ये सफाया कर देता है। अब रूट जब इसकी अच्छी ग्रोथ होती है रूट्स की, तो वो जो प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से पौधे एकदम स्वच्छ और बढ़िया तरीके से तैयार होते हैं, और उनकी ग्रीननेस, इन पौधों की आप ग्रीननेस देखेंगे तो ग्रीननेस देख के ही आपको पता चल जाएगा। आप भी इसका यूज करके देखें, लेकिन इसकी मात्रा जो है उसको अधिक ना करें। अधिक मात्रा लेने से ये आपके पौधों के पत्तों को जला भी सकता है, जिससे पौधा आपका मर भी सकता है। इसलिए इसको अगर यदि आप 3% का लेते हैं, तो 1 लीटर में 20 ml से ज्यादा इसका यूज ना करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, तो उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।